केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 20 जुलाई को सिरसा आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले डबवाली हिसार फोर लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सब परियोजनाएं कांग्रेस सरकार के समय की मंजूर की गई हैं और जिन पर आज भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले रही है। सारे के सारे प्रोजेक्ट जो अभी जिसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी या केंद्रीय मंत्री, एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो नई सरकार ने सैंक्शन किया हो या उनकी उसमें कोई भागीदारी हो। वो सिर्फ एक समय का, सरकार बदली, समय का फेर है और मैं समझता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट उस समय सैंक्शन हुए थे वो उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। नए प्रोजेक्ट कोई नहीं है। नए प्रोजेक्ट आने वाले समय में पता चलेगा कि ये सरकार क्या करती है। अभी तक का पूरी तरीके से इस सरकार का सिरसा के प्रति, हरियाणा की जनता के प्रति, किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी हर एक के प्रति जन आक्रोश भी है जनता का और उनके प्रति इनका नकारात्मक रवैया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।